सकता है कहा तो उम्मत मोहम्मद मेरे मोहम्मद अजीज बुजुर्ग अजीज भाई और उम्मत मसन की मुकदस माएँ और बहने लगे फजल करम से ब्लॉगिंग आपसे शुरू हो रही है इंशाल्लाह। इसमें थोड़ी एक बात मुझे सबको बताने की ज़रूरत है कि मुझे काफ़ी लोगों ने बोला है कि भाई तुम्हें क्या पड़ेगा तुम ये ब्लॉगिंग क्यों बना रहे हो मजीद क्यों दिखा रहे हो। तो मैं आप लोगों के खिदमत में एक बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि हदीस मुबारक है कि हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि अफसर ने शाद फरमाया कि सात लोग ऐसे होंगे क़यामत के दिन जो अल्लाह ताला के अर्श के साए के नीचे होंगे, उसमें से एक शख्स वो होगा कि जिसका दिल मस्जिद में लगता है। इसमें जैसे एक बात ये है कि मत हज़रा तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ लेते हैं मस्जिद देख लेते हैं, लेकिन इसमें ख़वातीन कहाँ जाएँ? ख़वातीन को तो पता नहीं कि मस्जिद कैसी अंदर से नज़र आती है कैसी दिखती है। तो मुझे बास ख़वातीन ने इस बात की वो भी की कि ताकि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर ख़वातीन का ये कहना है कि ज़ाहिर हम लोग तो मस्जिद ज़ाहिर जा ही नहीं सकते, तो इस लिहाज से हमें मस्जिद दिखती कैसी हमें ये नहीं पता, तो इस लिहाज से जो है आप मस्जिद दिखाते हो तो बहुत अच्छा काम करते हो। तो इस लिहाज से हमारी नियत ये भी होती है कि ज़ाहिर हमारे तवसुस से अगर ख़वातीन भी माशाल्लाह अगर मस्जिद उनको अंदर से दिख जाए तो ज़ाहिर, और अगर वो इस तरह से अगर उनका दिल मस्जिद में लग जाए तो ज़ाहिर हमारे लिए खुशकिस्मती के बाद होगी कि ज़ाहिर ख़वातीन का दिल मस्जिद में हमारी एक छोटी सी कोशिश की वजह से उनका दिल मस्जिद में लगा तो ज़ाहिर हमारे लिए एक बहुत अच्छा वो साइन अप होगा। बारह खुदाबंदी में जुम्मे का दिन का आलिया मकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बिला शुबा जुम्मे का दिन तमाम दिनों का सरदार है और ये दिन अल्लाह ताला के बारगाह में बड़ी अजमत वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक मर्तबे के लिहाज से ये दिन ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा से भी ज़्यादा अफजल है। अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ताला जुम्मे की नमाज दारुल कुरान अदा करने की तौफीक नसीब फरमाई। इस व्लॉग का यही ख़त्म करते हैं। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।